नमस्कार। एक बड़ा मैच इस वक्त बिहार सहित हिमाचल के बीच एक अर्जुन पुरस्कार के साथ अपनी लगातार बिहार का पहला राइड इस वक्त लगातार क्योंकि हिमाचल ने टॉस जीता। आदरणीय पवार साहब जीत रहे हिंदुस्तान के 22 वर्ष तक और लगातार 22 मेडल गोल्ड जीतने का काम किया वो हमारे बीच में ये है एकेएच का प्लेट पहला रेड बगैर किसान के सभी हमारे कबड्डी संघों के पदाधिकारी और हमारे टॉप के चाहे कोचेज की लॉबी में इस समय बाइक ऑर्डर से सेलिब्रिटी ललचाने की कोशिश मौके की तलाश शुरुआत किसकी अच्छी रहती है ये देखना दिलचस्प होगा। हिमाचल जहाँ देवताओं की भूमि बिहार और खाता खोलने में कामयाबी इसी के साथ बोनस को अर्जित किया। प्रो कबड्डी के खिलाड़ी हिमाचल की बालिका ने एक अंक के साथ अमित हुड्डा ओपन इज अकाउंट लंबी छलांग लगाई है लेकिन अच्छा बैकअप है और बहुत ही शानदार और पंजाब टैकल किया दो शून्य से आगे। दर्शक साथियों लेफ्ट कॉर्नर पर बैठी है पंजाब पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बिहार सबसे ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी देने वाला जिला गुजरात दो बड़ी मजबूती में आइए आगे के लिए आदरणीय देखते हैं किसकी हॉकी जीत चकमा दिया है दाएं कॉर्नर को निशाना बनाया और बटोर लिया तीसरा पॉइंट टीम की झोली में। शानदार प्रदर्शन शुरुआती क्षणों में और कहते हैं अच्छी शुरुआत है आधी सफलता देखते हैं यहाँ पे जैसा कि आप सभी को मेरे साथी कितना फायदा उठा पाता है डीपी साहब सभी जानकारियां हिमाचल प्रदेश बिहार के सामने भारतवर्ष से कबड्डी जगत की एक से एक बड़ी हस्ती हमारे बीच में बोनस के साथ ही इधर से भी खाता खोलने में कामयाब बात करें लेकिन देखना दिलचस्प होगा द्रोणाचार्य आवाज जिस महान जीत किसकी झोली में जाएगी। हालांकि अभी पूरा मैच बाकी है शुरुआती क्षण कैच करने में कामयाब यहां पे बिहार एक अंक के साथ यहां तक फल फूल स्कोर जा पहुंचा दो इस कबड्डी को यहां तक लेकर आने में उनका बहुत बड़ा सहयोग तीन के मुकाबले दो बहुत बड़ा उनको श्रेय जाता है। बिहार हिमाचल के सामने जबरदस्त रोमांचक मुकाबला जो ऑडियंस है दर्शकों की तादाद बढ़ते हुए इधर से भी अच्छा कार्य किया है खूबसूरती से टैकल किया एक अंक और अर्जित सामने कोई ना खड़ा रहे चार स्कोर जो गेस्ट को बड़ी दिक्कत आ रही है मैच देखना बिहार को आप सभी से मेरा अनुरोध है आप साइडों में जाकर के जगह ले लें। पांच डिफेंस का सामना करता हुआ इस वक्त हिमाचल देखते क्या यहाँ पे शेड्यूल है आप सभी जानते हैं लीग सिस्टम हमारा पॉइंट अर्जित कर पाएगा जो आज मैच होंगे नॉकआउट अच्छी कोशिश दाएं कॉर्नर फिर से वही टेक्निक मैचों की शुरुआत जो पिछली राइड पे कर दिखाया था उसी पुनरावृत्ति में नजर आई बिल्कुल आराम करेगी एक अंक के साथ स्कोर जा पहुंचा पांच यानी कि पांच पांच नहीं बिहार को भी कमाना महंगा पड़ सकता है हिमाचल प्रदेश के लिए लेकिन दोनों टीमें लगभग बराबर की जबरदस्त बेहतरीन फॉर्म में है जैसा कि कल भी बताया था और ये देखिए कैच करने का और जबरदस्त तरीके से टाई लगाते हुए कृष्णलाल पवार दबोचने में कामयाब लगातार उस प्रतियोगिता में बिहार के सामने थोड़ा सा मजबूत इस वक्त जो भी हमारी भारत वर्ष से चलकर सभी टीमें आई हिमाचल प्रदेश ऐसा ही दबाव बिहार के ऊपर बढ़ता हुआ सीने को टच किया है जी हाँ इसमें भी उन्होंने बहादुर खिलाड़ियों के लिए रेडर गिफ्ट की व्यवस्था कराई तो देखते हैं यहाँ पे आमंत्रित करूंगा आप अपना गिफ्ट कलेक्ट करते रहे अच्छी कोशिश और इधर से देखते हैं लेकिन मजबूत इरादों के साथ हिमाचल एक अंक अर्जित करता हुआ लगातार इजाफा शुरुआती करीब 4.5 मिनट का खेल स्कोर बढ़ता हुआ सात जबकि बिहार दो पे रुका हुआ व्यवस्था बनाए रखने में अच्छी शुरुआत और उसके बाद बढ़त बनाने में कामयाब अनुरोध कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश हो
और देखे जबरदस्त उड़ान भरी है इस वक्त, थोड़ी देर के बाद ये अंकर जीत गया। हमारे अध्यक्ष श्री कृष्णलाल कुमार सुपर टेकलर कंटिन्यू सम्मान करें, इतना जो उन्होंने सभी टीमों के लिए गिफ्ट रखे यहाँ भी है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा, जी हाँ, पॉइंट बटोरने में कामयाब टीम कोच मैनेजर हिमाचल लगातार अंकर जीत करता हुआ बिहार अंडर प्रेशर टीम के कोच मैनेजर आ जाए, आप अपना गिफ्ट कलेक्ट करें। बंगाल टीम के कोच मैनेजर वेस्ट बंगाल के अच्छा प्रयास लेकिन आसान नहीं, हिमाचल के सामने एंकर जीत करना, आंध्रा कबड्डी ऑल आउट का खतरा मंडराने लगा है। कोच मैनेजर खाली हाथ ही लौटना पड़ा, उनके बाद छत्तीसगढ़ कबड्डी टीम के कोच मैनेजर आप भी आइए। ओहो, कैच किया है सुपर टेकल में लेकिन रोकने में नाकामयाब, ऑल आउट यहां पे चौका लगा दिया है इस वक्त। और 6 मिनट के खेल में हिमाचल बिहार को ऑल आउट करने में कामयाब, 2.5 अंकों में इस वक्त 12 पे जा पहुंचा, 9 अंकों की बड़ी बढ़त, जबरदस्त फॉर्म में है हिमाचल का जवाब नहीं इस वक्त बिहार के सामने। बिहार 3 पे रुका हुआ जबकि हिमाचल 12 का स्कोर कर चुका है और शुरुआती जो 6 मिनट के खेल में ऑल आउट किया वो मनोवैज्ञानिक बढ़त इस वक्त हिमाचल के पास, और लीजिए 13वां पॉइंट 3 के मुकाबले यानी 10 अंकों की बढ़त, हिमाचल मजबूत होता हुआ। सुपर टेकल तो नहीं लेकिन दो डाई रेड है यहाँ पे क्योंकि तीसरा रेड छत्तीसगढ़, इसलिए मुसीबत में है बिहार फिर से। और यह देखे झपट्टा मारने की कोशिश लेकिन पुश करते हुए साइड लाइन से बाहर भेजा, दबाव में दिखी बिहार की बालिका। हिमाचल लगातार बढ़त बनाता हुआ, श्री रणधीर शेरावत जी आप सभी साथ में रहेंगे सर, पहले आपका गेंद वितरित किए जा रहे हैं हमारी सभी टीमों को, सीने को टच करने की कोशिश, जी हाँ ईमानदारी का परिचय दिया है इस वक्त बिहार की बालिका ने। और स्कोर देख लगातार वृद्धि करता हुआ 15 जा पहुंचा है 3 के मुकाबले यानी 12 अंकों की बढ़त, पॉइंटों का अकाल सा पड़ गया है बिहार के दृष्टिकोण से, लेकिन काफी देर के बाद ये एक अंक अर्जित करने में कामयाब, लेकिन लगता है रफ्तार काफी धीमे। टाइम आउट लिया था उसका कितना असर देखने को मिलेगा, खैर ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ भी चकमा देने में कामयाब नहीं, प्रयास जरूर बेहतरीन था महाराष्ट्र टीम को, लेकिन हिमाचल जबरदस्त टच में, ये देखिए गलती की है फिर से बिहार ने, उपहार के रूप में बोनस के साथ एक अंक गवाया है इस वक्त, स्कोर 17 जा पहुंचा लगातार, जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है हिमाचल, क्या बिहार वापिस आ पाएगा मैच में। इंडियन रेलवेज 69वां तमिलनाडु सीनियर वुमेन नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2023 यूपी टीम कोच मैनेजर, जबरदस्त टच में है हिमाचल इस वक्त, आप सभी टीमों के टीम कोच मैनेजर 4 पे रुका हुआ बिहार, जबकि हिमाचल 17 का स्कोर कर चुका है यानी कि 13 अंकों की बड़ी लीड है। शुरुआती 9 मिनट का खेल लगभग, और क्या खूब प्रदर्शन दिखाया है अभी तक, ये देखिए फिर से कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, टच पॉइंट की तलाश और मिल जाएगा यहाँ पे, बॉडी लैंग्वेज स्पष्ट यही कह रहा है, यहाँ पुश करते बाहर निकला है सुपर टेकल फिर से ऑन, फिर से खतरा मंडराने लगा है बिहार पे, बिहार बेसहारा सा साबित होता हुआ हिमाचल के सामने। अरे वाह, जबरदस्त तरीके से पांव से टच किया है और एक अंक फिर से अर्जित करने में कामयाब, लगातार लगभग हर रेड के ऊपर अंक अर्जित करता हुआ बिहार के सामने हिमाचल, ये है खूबसूरती हिमाचल प्रदेश की जो कि देवों की भूमि मानी जाती है, लेकिन टीम कोच मैनेजर ने अपना, और ये देखिए यहाँ पे एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से टैकल किया
एक अंक अर्जित करने में कामयाब, लगातार स्कोर वृद्धि करता हुआ अंतिम पाली का इसलिए आत्मसमर्पण है। यहाँ देखने को मिलेगा क्या नहीं, संघर्ष चाहेंगे यहाँ पे और पीछे के साथ पार के रूप में ऑल आउट यहाँ पे और 3 अंक फिक्स्चर अर्जित किए हैं हिमाचल ने। और 10 मिनट के खेल में, लगभग जो 10.5 मिनट का खेल है उसमें दूसरी बार ऑल आउट किया है हिमाचल ने बिहार को। ये दर्शाता है कितनी मजबूत टीम बुलंद हौसले संघर्ष करता हुआ बिहार। एक बार सभी मंच के सामने आ जाएं, जब आप आ जाएंगे तभी दिए जाएंगे। 10 नंबर के जर्सी में इसमें देखे हिमाचल की उदयमान स्टार, उभरते हुए स्टार, और यहाँ गलती के है उपहार के रूप में, 1 पॉइंट फिर से गंवाया है बिहार ने। लगातार गलती करता हुआ, कहीं ना कहीं तालमेल की कमी और उसी का फायदा उठाता हुआ इस वक्त बिहार के सामने हिमाचल प्रदेश के बीच में जो मैच चल रहा है। और ये देखे खूबसूरत टैकल अकेले ने ही थाम लिया, जबरदस्त फॉर्म में बिहार, फाइनल मैच रखे जाएंगे दबाव में, जबकि हिमाचल करीब टच में है, मैच चल रहे हैं और बढ़त इतनी बड़ी है। और पहले आपका खेल यहाँ अच्छा कार्य किया, काफी देर के बाद ऐसे ही टैकल की आवश्यकता। विष्णुदत्त जी शर्मा जो की जयपुर से है, बेहतरीन निर्णायक की भूमिका अदा करते हुए इस हुनेतरवी वुमन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में, लेकिन बाएं कॉर्नर पर अच्छा प्रयास सही से आप सभी की जानकारी युवा बालिका का बिहार की, लेकिन बिहार की बालिकाओं में आपका विश्वास की कमी नजर आई है, उसी का खामियाजा वो खुदना पड़ा है जो कि काफी पीछे मुकाबले में। हिमाचल फिर से रेड के ऊपर, 10.5 मिनट के खेल में 2 बार ऑल आउट किया, इतनी मजबूत बढ़त वापसी करना करना यहाँ साथ नहीं। दाएं कोर्नर पर स्ट्रिक्ट माहौल रहेगा क्योंकि हमें पता है पब्लिक बहुत ज्यादा आएगी हमारे पास। और यहाँ पे एक बार फिर से बेहतरीन टैकल देखने को मिला है, शानदार ब्लॉक किया, 1 अंक फिर से, लेकिन बढ़त अच्छी खासी हिमाचल के पास। हिमाचल का इस वक्त दबाव ने चोट लगी हल्की सी पांव में बिहार की बालिक हिमाचल प्रदेश की बालिका के, हमारा जूता बनाने में हमारा सहयोग आप करेंगे हमें पूर्ण विश्वास है। 11 नंबर के जर्सी में बिहार जरूर यहां संघर्ष दिखाना चाहेगा ताकि पहले आप में जो बढ़त है उसको कम किया जाए, लेकिन इस वक्त काफी पीछे है मैच में। हालांकि पिछले करीब 2 मिनट के खेल में वापसी की कोशिश की 6 है बिहार, जबकि हिमाचल 26 यानी 20 अंकों की लीड, यह दर्शाता है कितनी मजबूत टीम है हिमाचल प्रदेश की। लेकिन बिहार यहां पे निराशाजनक प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश के सामने, बेहतरीन प्रयास दाएं कॉर्नर पे बोनस का, लेकिन निर्णय की परीक्षा भी जो मैच चल रहा था गुजरात वर्सेस पर हो चुका है, बोनस अर्जित करने में कामयाब। 20 और 10 27 के पक्ष में 20 और 10 के स्कोर के साथ पंजाब आगे आगे 2.5 रन पे, गुजरात टीम बिल्कुल ठीक उसके पीछे पीछे, 21 अंकों की बढ़त मैदान नंबर 1 हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश वर्सेस। और इस मैच में 21 ही नजर आ रहा है के स्कोर के साथ, खेल के शुरुआती समय से ही मजबूत पकड़ बनाई। अरे वाह क्या गजब का टेकल किया डुबकी के अंदाज में। इसी के साथ मध्यांतर का समय, आपका खेल हिमाचल रेड पे है, हिमाचल की बड़ी है। और यहाँ पे अच्छा कार्य किया शुरुआत इस समय में, शुरुआत तो अच्छी की है दूसरे हाफ में और बिहार ने हिमाचल के सामने बड़ी अच्छी चुनी, खूबसूरती से कैच करते हुए 1 अंक अर्जित किया यहाँ पे प्रोफेसर वीर सिंह। लेकिन देखते हैं शुरुआत बहुत अच्छा, फायदा कितना मिलता है, ये वाटरप्रूफ जो टेंट लगाया हिमाचल, और मैं देख रहा हूँ इंजाम हिलने वाला नहीं है बिहार के सामने। जितने भी सम्मानित साथी मंच के ऊपर बैठे हैं सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद, और सभी खिलाड़ियों को दिल से मेरी शुभकामनाएं। हारेगा कोई जीतेगा हिमाचल जोखिम नहीं उठाना चाहेगा, बढ़त कितनी बड़ी है, बहुत अच्छी बात है, और आप सब खिलाड़ियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद के साथ।
टाइम आउट लिया है हिमाचल ने। यह स्थान आप खाली कर दे लीजिए। बाएं कॉर्नर से आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन और हिमाचल के सामने आसान नहीं टच पॉइंट अर्जित करना। बोनस तो और भी मुश्किल बीच में है, मैं अनुरोध करूंगा अगर किसी पॉइंट नहीं वापस लौटे हैं। रणधीर सिंह शेखावत जी, और ये देखिए टच पॉइंट जिस तेजी से आगे बढ़े, अनुभव का फायदा उठाया हिमाचल की झोली में। आप सभी मिल गए सर, शानदार टच में हिमाचल प्रदेश। बिहार सात के स्कोर पे, जबकि हिमाचल 30 यानी कि 23 अंकों की बढ़तौरी लीजिए। एक और अंक हिमाचल के हिमालय में, चार डिफेंस का इस समय सामना। क्या यहां वापसी कर पाएगा, बहुत मुश्किल है क्योंकि बढ़त इतनी बड़ी है 24 अंकों की। उसका दबाव और जो जो खेल बढ़ेगा दबाव और गहरा होता चला जाएगा बिहार के ऊपर। बार बार मैं अनुरोध कर रहा हूँ सभी राज्यों से, समय पूरा लेते हुए इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है, सभी टीमों को कोच मैनेजर से मेरा अनुरोध है आप अपने गिफ्ट कलेक्ट कर लीजिए, गिफ्ट दिए जा रहे हैं। शानदार दबाव जिस तरीके से खिलाड़ी के द्वारा, वो लाजवाब। खाली हाथ ही बोनस मार्क कीजिए, तीन अंक लेने का काम किया। सॉरी बिल्कुल पॉइंट नहीं मिला, एकदम से गुजरात की टीम के ऊपर मंडरा गया। चार का डिफेंस देखिए, हेड को टच किया है, मिल जाएगा पॉइंट। जी हाँ, बिहार मुसीबत में कह सकते किया, शानदार ब्लॉक किया सामने से और खतरा मंडराने लगा। देखिए सुपर टेकल ऑन है, सिर्फ दो ही बालिकाएं, आसान मौका। जाने माने खिलाड़ी रहे बहुत वर्षों तक, बहुत लंबे समय तक उन्होंने बेहतरीन कबड्डी खेली। अरे वाह, खिलाड़ी लंबी छलांग लगाया, हालांकि प्रयास अच्छा था, ऑल आउट चौका लगा दिया और दूसरे हाफ में पहली बार ऑल आउट किया। कुल मिलाकर तीसरी बार ऑल आउट हिमाचल ने बिहार को किया है, तो सात के मुकाबले 37 यानी 30 अंकों की बढ़त देखिए कितना बड़ा है। सात पे ही रुका हुआ है बिहार, यहाँ बोनस का अच्छा ट्राई, लेकिन और आसान नहीं। खिलाड़ी जो आप देख रहे हैं पंजाब की टीम में, स्पोर्ट्स पॉलिसी के आधार पर एक अंक के साथ घर वापसी। अमनप्रीत कौर दो नंबर स्कोर लगातार बढ़ता जा रहा है, सब इंस्पेक्टर के पद पर, जबकि बिहार एक ही जगह पे रुका हुआ। बिहार की गाड़ी एक स्टेशन पे रुकी हुई है सात के स्कोर पे, और ये देखिए पुश करते हुए साइड लाइन से बाहर धकेला। अच्छा कार्य करता हुआ हिमाचल लगातार। प्रो कबड्डी और स्टार स्पोर्ट्स के सीईओ श्री अनुपम गोस्वामी जी, 10 नंबर जर्सी में सुना हिमाचल, उसमें अवगत कराया जो हमारे मध्य नाम सभी थोड़े अलग अलग से हो जाए तो अच्छा रहेगा सर। लीजिए बहुत ही शानदार रेड का मुजाहरा एक बार फिर से, हिमाचल लगातार वृद्धि करता हुआ स्कोर में। आज ये हालत तो लेकिन तो बिहार हो जाएगी सर, एक ही जगह पे हुआ। अरे वाह, प्रयास अच्छा पुश भी किया लेकिन पॉइंट नहीं मिला क्योंकि साइड लाइन से बाहर भेज दिया। अच्छा कार्य किया है हिमाचल ने। 9 से 12 बजे तक आपको पास वितरित किए जाएंगे, आप समय से आकर के अपने पास कलेक्ट कर लीजिए। हिमाचल उड़ीसा और राजस्थान की सुपर टेकल और अच्छा प्रयास कलेक्ट कर लीजिए। फिर से खतरा मंडराने लगा है बिहार के ऊपर हिमाचल, जिस फॉर्म में है ये देखिए, जबरदस्त उड़ान भरी है यहाँ पे और सीधे हिमाचल पहुँच गए एक अंक लगातार स्कोर में इजाफा। 42 स्कोर जा पहुँचा है देखते ही देखते, जबकि बिहार एक ही स्कोर पे बना हुआ है। और ये देखिए फिर से वही ताकत, धक्का देकर बाहर धकेल दिया राजस्थान की अंतिम खिलाड़ी, इसलिए ऑल आउट। और ये देखिए दूसरे हाफ में भी दूसरी बार ऑल आउट किया है बिहार को हिमाचल प्रदेश ने।
और स्कोर 46। हिमाचल प्रदेश ने एक खिलाड़ी को रिप्लेस किया है, लेकिन बिहार काफी पीछे है, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने तो प्रदर्शन किया है। वो लाजवाब दहाई अंकों में भी नहीं पहुंचा है बिहार हिमाचल के सामने। लॉबी में 10 पॉइंट, यहां पे दो बालिकाओं को टच किया है कहीं ना कहीं। जी हां, यह है हिमाचल प्रदेश की ताकत, लेकिन बिहार इस समय हिमाचल के सामने मुसीबत में बहता हुआ। और ये देखिए चट्टान की तरह जिस तरीके से रोका, दीवार टूटने वाली नहीं है ये। जो हरियाणा प्रदेश में इसी के साथ हर्षद आता हुआ हिमाचल प्रदेश के खाते में, जबकि बिहार बेहद संकट में। बिहार ने सोचा भी नहीं था कि इस चुनौती का सामना इस कदर करना पड़ेगा। चार का डिफेंस है, लेकिन हिमाचल चाहे चार का डिफेंस हो या फिर सात का, लगभग हर राइड के ऊपर पॉइंट अर्जित किया है, लेकिन इस वक्त जोखिम उठाना मुनाफे में नहीं समझा, क्योंकि बढ़त इतनी बड़ी है उनके पास। अगर थोड़ा रक्षात्मक रुख अपनाते हैं, और ये देखिए लालच में आए, पहले प्रयास में छलांग लगाती तो पहुंच जाती, लेकिन इंतजार किया दूसरी बालिका को टच करने का, इसलिए वापिस खींच लिया हिमाचल ने अपने पाले में। इस प्रकार एक और अंक हिमाचल के खाते में, जो आयोजक है जबकि बिहार एक ही स्कोर पे बना हुआ। सुपर टेकल ऑन, तीन बालिकाएं, समय पूरा लेता हुआ हिमाचल। आप सभी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, अंतिम 5 मिनट का वक्त बाकी, बाएं कॉर्नर पे लॉबी में लभाने की कोशिश, चकमा दिया है, इस वक्त पहुंचने में कामयाब है। काफी देर के बाद एक अच्छी रैंक बिहार की ओर से, चार नेशनल यहां पर हरियाणा के अंदर कराने का कार्य किया है, लेकिन बढ़त चौथी नेशनल वो महिला करीब 40 अंकों की आपके सामने चल रही है। इससे पहले हिमाचल के पास सबसे पहले गलती फिर से की है, राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2 पॉइंट यहां भी आधार जीत लिए हैं, बहुत ही सफल आयोजन रहा, शानदार मुजाहिरा। इंडियन रेलवेज के टीम कोच मैनेजर आप अपने गिफ्ट कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद महिला वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के अंदर कराई बहुत ही बेहतरीन प्रतियोगिता, बहुत ही सफल आयोजन। सोच रहा क्या किया जाए हिमाचल के सामने, लेकिन हिमाचल हिलने वाला नहीं है इस मैच में। पुश करते हुए देखिए बाहर धकेल कर साइड लाइन से अंतिम बालिका ऑल आउट, आत्मसमर्पण। और ये देखिए एक बार फिर से ऑल आउट किया है, कुल मिलाकर 5वीं बार, बहुत ही सफल आयोजन हुआ, चौथी बार ऑल आउट किया है सीनियर महिला हिमाचल ने बिहार को। नेशनल प्रतियोगिता का ये आयोजन भी बिल्कुल सफलता की ओर अग्रसर है। 2 वर्ष के अंदर अंदर 3-3 राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं, वो भी सीनियर वर्ग की, ये जो हमारे बीच में कबड्डी विशेषज्ञ बैठे हुए हैं उन्होंने भी अपनी वाणी से आपको जोखिम उठाने की आवश्यकता ही नहीं। इस बात के लिए अमेरिकन कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा आपके जो प्रयासरत रहेगा कबड्डी खिलाड़ियों के लिए, कबड्डी को निरंतर ऊंचा उठाने के लिए। बिहार पीछे, इंडिया दबाव में है, टीम कोच मैनेजर हमारे बीच में है, क्या किया जाए। एकता काफी बेहतरीन नजर आई है बिहार बिहार के सामने हिमाचल की, लेकिन क्या यहाँ पॉइंट मिलेगा बिहार को। जी हाँ, एक पॉइंट जरूर, कछुए की चाल बिहार चलता हुआ पैसेंजर गाड़ी की तरह, जबकि हिमाचल प्रदेश मेट्रो ट्रेन की तरह तेजी से आगे बढ़ता। और ये देखिए बाएं कॉर्नर पे जो बालिका थी उसको निशाना बनाया, बाहर जाना होगा। एक और अंक
जबरदस्त फॉर्म में है इस समय हिमाचल प्रदेश, जीत की दहलीज पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहना चाहिए कि बिहार को अब चमत्कार भी वापस नहीं ला सकता, क्योंकि वक्त इस समय ज़्यादा नहीं, जबकि बढ़त बड़ी है। और ये देखिए अच्छा कार्य किया, लक्ष्य रेखा के बिल्कुल करीब थे लेकिन रोकने में कामयाब। यही ताकत है, यही नजाकत है हिमाचल प्रदेश की। अंजू रेड के ऊपर इस वक्त अपनी पकड़ में ले लिया है एक तरफा, जितनी भी तारीफ है उतनी कम है अंजू एंड कंपनी की। बिहार के सामने जो बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रभावित किया है कबड्डी के पंडितों को, वो हिमाचल प्रदेश जो की देवभूमि मानी जाती है, वही बिहार जहाँ से सबसे ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं। लेकिन यहाँ देखिए खेल कबड्डी का, पुण्यतर भी सीनियर वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जिसमें ये क्वार्टर प्री क्वार्टर के मुकाबले चलते हुए, और यहाँ दो पॉइंट अर्जित किए हैं। अंजू फिर से रेड के ऊपर है 7 नंबर जर्सी में, 58-58 स्कोर जा पहुंचा है। और ये शायद इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा स्कोर है कहना चाहिए लगभग। और ये देखिए फिर से वही खूबसूरती हाइट का फायदा उठाते हुए इस वक्त अंजू हिमाचल प्रदेश की ओर से, लेकिन बिहार जो जिला मैनेजर है उसका जो प्रशासन है प्रशासनिक अधिकारी है अच्छा प्रयास बहुत अच्छा। जी हाँ एक अंक जरूर दाही अंकों में तो पहुंच गया बिहार, लेकिन हिमाचल का जवाब नहीं। यहाँ देखिए पॉइंट वापिस खींचते हुए अर्जित किया, एक बार लगा कि पहुंच जाएगी अंजू, जो लगातार रेड लेके जा रही थी लेकिन इस बार सफल नहीं रह पाई। अग्रेसिव खेल दिखाने की जरूरत है, आवश्यकता भी है बिहार को, क्योंकि अब खोने को कुछ नहीं है बिहार के पास, जोखिम उठाए जाए ताकि मैच में वापस आए जाए। देखिए इसी के साथ खेल खत्म, और यहाँ पे मुकाबला हिमाचल प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ने जबरदस्त जीत दर्ज की है, सबसे बड़ी जीत ये संभवतया इस चैंपियनशिप के अब तक के, और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है हिमाचल ने। जैसे एक लम्हा शुरू होगा फिर हाजिर रहूंगा, शुक्रिया।